और अयोध्या को सेफ सिटी, धर्म सिटी के साथ साथ आर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। अयोध्या में हाईवे पर रामनगरी की पौराणिकता की झलक लाने के लिए भी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया। हाईवे के दोनों लेन के बीच खाली पड़ी जगह में कई तरह के छायादार के साथ फल फूल वाले पौधे भी लगाए जाएंगे। अयोध्या हाईवे के किनारे और बीच में आने वाले खाली पड़े जगह पर भी पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही 16 किलोमीटर के बीच आने वाले अंडरपास के दीवारों पर भगवान राम की कलाकृतियां बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि 30 स्थानों पर भव्य मूर्तियां लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण कई बैठक कर चुका है। इस योजना पर काम करने के लिए नेशनल हाईवे ने भी मंजूरी दे दी है। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुरूप अयोध्या को निखारने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। ये एक परियोजना है जिस पर कार्य शुरू कर दिया है हम लोगों ने, और इसमें प्रयास ये किया जा रहा है, चूंकि इसमें आर्टवर्क इन्वॉल्व है, तो पूरे अयोध्या को एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने का भी एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसमें जो पेंटिंग होनी है उस पेंटिंग में क्या तरीका अपनाया जाए, यहाँ जो हॉर्टिकल्चर का काम होना है उसमें किस तरह के वृक्ष लगाए जाएँ, और जो मूर्तियाँ लगाई जानी है, फाउंटेन लगाया जाना है, उस पर किस तरह की मूर्तिकला हो, किस तरह का फाउंटेन हो, ताकि वो एक जो अयोध्या की एक मर्यादा है, जो अयोध्या की एक सोच है, और जिस तरह से एक अयोध्या का विकास एक विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से किया जा रहा है उसको समेकित रूप से, और पेंटिंग का काम एक थीम के आधार पर हो, ताकि अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर इस तरह के कार्य सौंदर्यीकरण के होने हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।